हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन रचनास किचन। गणपति बप्पा आने ही वाले हैं और हम सभी के घरों में उनके आने की बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। और मेरे घर में भी मैंने बना लिए हैं मोदक और ओरियो मोदक। और इस साल मैं बनाने जा रही हूँ उनके फेवरेट लड्डू, जो कि बेसन के लड्डू उनको सबसे ज्यादा पसंद है। हम वो बनाएंगे आज और बिल्कुल बाजार स्टाइल हम बनाएंगे। और वीडियो आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो में मैं शेयर करूंगी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी टिप्स और ट्रिक्स के किस तरह से हलवाई बनाते हैं बेसन के लड्डू, दानेदार लड्डू। तो आइए देखिए कैसे बनाएंगे बेसन के लड्डू। सबसे पहले हम गरम करेंगे कोई कढ़ाई या डीप पैन, और उसमें मैं डालने वाली हूँ घी। देखिए घी मैंने लिया है पूरा एग्जैक्ट 1 कप, लेकिन अभी मैं 1 कप घी पूरा इसमें नहीं डालूंगी, 3/4 यानी कि 3/4 घी ही अभी मैं ऐड कर रही हूँ। ये जो बचा हुआ घी है हम बाद में यूज करेंगे। और जब घी गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा धुआं उसमें से निकलने लगेगा, उसके बाद ही हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन हम लेंगे एग्जैक्ट 2 कप। 1 कप हमने लिया घी और 2 कप हम लेंगे बेसन। पर बेसन मैं थोड़े थोड़े बैच में डालूंगी। देखिए घी गर्म हो गया, अब मैं थोड़ा बेसन अभी डालूंगी, को अच्छा सा मिक्स दूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो गया, अब ये जो बचा हुआ बेसन था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और देखिए इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से हम जो इसकी गांठें या गुठलियां पड़ रही हैं उसको हम तोड़ते जाएंगे। बिल्कुल भी हमें गुठलियां नहीं रखनी है। अब देखिए जो बेसन है, जनरली हमारे घरों में कैसा बेसन आता है, पतला, जो कि जिससे हम चीले बनाते हैं या ढोकले खमन बनाते हैं। अब जो 2 कप बेसन मैंने लिया है उसमें से 1.5 कप बेसन मैंने पतला वाला लिया है, और 1/2 कप बेसन मैंने लिया है चने की दाल मैंने पीस ली थी, घर में ही पीसी थी और उसको मिक्स कर लिया था। तो टोटल मैंने लिया है 2 कप बेसन, यानी कि 1.5 कप पतला वाला बेसन और 1/2 कप जो चने की दाल पीस के मैंने घर में बेसन बनाया था वो, ताकि जो बेसन है वो थोड़ा सा दरदरा हो जाए और हमारे जो लड्डू हैं बाजार जैसे आए, जो दानेदार लड्डू होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, देखिए इसमें आपको पेशेंस बहुत जरूरी है रखना, बहुत आराम आराम से इसको भूनना है। बेसन को हम भूनेंगे लो फ्लेम पे पहले 10 मिनट, एकदम से हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो बेसन आपका जो है कलर तो चेंज कर देगा लेकिन रह जाएगा वो कच्चा, और जब आप उसे खाएंगे और गले में आपके चिपकेगा। अब थोड़ा ड्राई भी लग रहा है तो जो बचा हुआ घी है इस बेसन में ऐड कर दूं। देखिए अब ये बेसन को मैंने 10 मिनट लो फ्लेम पे पकाया था तो कलर थोड़ा चेंज हुआ। आपको ऑल इन ऑल 20 से 22 मिनट लगेंगे इतने बेसन को भूनने के लिए। मैं डाल रही हूँ इसमें चुटकी भर हल्दी, अगर आप चाहें तो फूड कलर भी डालें, पर मेरे हिसाब से हल्दी बेस्ट है। हल्दी डाल देते हैं उससे कलर बहुत अच्छा हो जाता है। और फिर उसको चलाते रहिए, हल्दी पूरे में मिक्स कर लीजिए। देख रहे हैं हमारा बेसन एकदम परफेक्टली भुन गया है और खुशबू ऑलरेडी आने लगी है। बेसन भी ढीला सा पड़ने लगा है, थोड़ा सा लिक्विडी होने लगा है। देखिए अब मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। थोड़ा सा पानी हम लेंगे और हाथों में लेके उसको छींटे मारेंगे बेसन पे, और फिर 2 बार हम छींटे मार देंगे बेसन में, और फिर बेसन को चलाते रहेंगे जब तक कि पानी पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। देखिए पानी तो एब्जॉर्ब हो जाएगा पर जो इसके दाने हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, बेसन में एक दाने जैसे आ जाएंगे। और अगर आप चाहें ये जो ट्रिक है ये 2 बार से 3 बार तक आप कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारा बेसन लाइट हो जाएगा, बहुत लाइट हो जाता है और दानेदार हो जाता है। अगर आपके पास पतला बेसन है तो ये एक ट्रिक बहुत इम्पोर्टेंट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है आज। जब हमारा बेसन अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1/4 कप जितना कैश्यू नट्स यानी कि काजू का पाउडर। काजू को ड्राई रोस्ट कर लिया था और उसे कूट लिया था, बस ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो ना भी डालें। काजू नहीं पसंद तो बादाम डाल दीजिए, पिस्ता डाल दीजिए। अब हम एक पैन में बेसन को निकाल देंगे और उसे ठंडा होने रख देंगे। ये 15 से 20 मिनट आप रखेंगे तो ठंडा हो जाएगा। खास बात का आपको ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, नहीं तो क्या होगा कि हमारे लड्डू बंधेंगे नहीं। और बहुत आप गर्म में अगर चीनी डाल देंगे तो चीनी पिघल जाएगी, तब भी हमारे लड्डू नहीं बनेंगे और सख्त बनेंगे। तो इसको अभी हम 15-20 मिनट रेस्ट करने देते हैं। 20 मिनट जितने हो गए थे, ना बहुत ठंडा है ना बहुत गर्म है, वार्म है। इस टाइम पे मैं डाल रही हूँ इसमें कार्डमम पाउडर यानी कि हरी इलायची का पाउडर, और अच्छे से उसे एक मिक्स देंगे। मैंने लिया है 3/4 कप पाउडर्ड शुगर लिया है इसे, तो मैं भूरा भी लाई थी और मैंने घर में भी पीस लिया था। तो देखिए मैंने 3/4 कप जितना भूरा लिया था और 2 चम्मच इसमें मैंने डाल दिया था
घर की चीनी, क्योंकि भूरा जो होता है ना वो स्लाइट कम मीठा होता है, और घर की चीनी प्योर चीनी हम पीस लेते हैं तो वो थोड़ी सी मीठी होती है, रेगुलर होती है। तो मैंने 2 चम्मच चीनी मिलाती थी जो घर में पीसी थी वो, और 3/4 कप हमने डाल दिया था भूरा। तो दोनों को मिक्स करके अभी मैंने इस बेसन में डाल दिया है। अभी छोटी सी कटोरी सी मैंने ली है माप के लिए, ताकि सारे लड्डू एक सार बने, अलग यू नो शेप और साइज उसके डिफरेंट ना हो जाए, साइज बेसिकली उसका डिफरेंट ना हो जाए इसलिए। और इस तरह से हम उसे बांध लेंगे। इसी तरह से सारे बेसन के लड्डू हम बनाते चले जाएंगे। बस माप ले लेंगे एक छोटी सी कटोरी का, और नहीं हो तो अपने हाथ से अपने अंदाज से बना लीजिए। आपको आप फ्रिज में मत रखिएगा, फ्रिज में रखेंगे तो बहुत हार्ड हो जाएंगे। आप इसे बाहर रखिए, आराम से महीने भर खाइए। और जितना बेसन मैंने लिया था, चीनी ली थी, उसमें मैंने मेरे ख्याल में 15 से 16 लड्डू बना लिए हैं। बड़े बनाएंगे तो 15-16 बनेंगे, थोड़े से छोटे कर देंगे साइज में तो और बढ़ जाएंगे, 18 से 20 बन जाएंगे। देखिए ये गणपति बप्पा के फेवरेट लड्डू तैयार है, उनको भोग चढ़ाने के लिए, उनके भोग लगाने के लिए। आई होप गणपति बप्पा आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें, और आप ये लड्डू जरूर बनाइएगा गणपति बप्पा को खुश करने के लिए, उनको जरूर पसंद आएंगे, मेरी गारंटी है। और जरूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि कैसा रहा आपका गणपति उत्सव। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इतने अच्छे अच्छे जो मैं वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, और आप जरूर मेरी रेसिपीज को फॉलो करें और बनाएं और मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।